नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त शशि भूषण गर्ग। आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल इंडस्ट्रियल प्लाटून यमुना एक्सप्रेस वे। कुछ लोगों की डिमांड आ रही थी कि होली पे आप NRI सिटी जो परी चौक पे है बिल्कुल, उसका वीडियो बना के दो और लेटेस्ट जानकारी दो कि क्या चल रहा है। तो दोस्तों, हम हैं ओमैक्स NRI सिटी और ये बड़े दुख की बात है कि कल ही ओमैक्स के सारे ठिकानों पर छापे पड़े हैं। उसमें से 200 करोड़ तो नकद पकड़ा है और पता नहीं काफ़ी बड़ी अमाउंट है, अनअकाउंटेड ट्रांजेक्शन मिली हैं। तो इस ग्रुप के भी दिन पूरे होने वाले हो गए। मतलब बिल्डरों की तो ऐसी तैसी चली रही है, क्योंकि ना वो सुधरे ना हम सुधरे। चलिए वापस आते हैं पॉइंट पे। ये ओमैक्स वालों की है NRI सिटी। तो अब लोग रेट को बड़ा कंफ्यूज करते हैं कि क्या रेट है। रेट तकरीबन मान के चलिए सब जगह का 60,000 है ग्रेटर नोएडा के अंदर। रेट 60,000 क्यों है? क्योंकि कहीं कुछ है कहीं कुछ है। और जो VIP प्लॉट है उसका 70,000 रुपये तक है। VIP मतलब जैसे ये कोने वाला प्लॉट खाली पड़ा है, ग्रीन बेल्ट है, मेन रोड पे है, पीछे चढ़ते सूरज की रोशनी आती है तो VIP प्लॉट हो जाता है। मतलब कि चौड़ी रोड, मेन रोड हो, ग्रीन बेल्ट हो, चढ़ते सूरज को हो, फ्रेश एयर पूर्वा की आती हो तो VIP प्लॉट हो जाता है। तो ये है NRI सिटी। वही हालात वही है, 10-20% भरी है, बाकी सारी खाली है। दिखा देते हैं जी आपको, ज़िंदगी के मज़े लो। आपका प्यार बहुत मिलता है, उसके लिए शुक्रिया। बहुत लोग प्यार से बात करते हैं, उसके लिए दिल से धन्यवाद। ये देखिए जी, ये ऐसे प्लॉट्स हैं जो लोगों ने अथॉरिटी कंडीशन में बना के छोड़े हुए हैं। और ये अभी हम हैं A371 पे NRI सिटी में, ए ब्लॉक के अंदर हैं। तो ये यहाँ का माहौल है, अंदर से सारे ऐसे ही हैं, बस लोगों ने बनाया और चले गए अथॉरिटी कंडीशन के अंदर। खंडर बन चुके हैं, एक खंडर नहीं है, हज़ारों की गिनती में खंडर है। अब मैं चलूँगा तो फिर आप बोर हो जाओगे कि गर्ग साहब आप बुराई कर रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो। ऐसी बात नहीं है। जो लोग फॉरेन से आ रहे हैं, विदेशों से आ रहे हैं, बना भी रहे हैं, पर सुविधा सब है। जैसे देखिए, गैस पाइपलाइन है और टेलीफोन है। देखिए, होलिका का भी इंतज़ाम हो रहा है, होलिका की तैयारी चल रही है। चौरस्ते पे होलिका की प्रोग्राम मनाया जाएगा। अब देखो, जो रहते हैं भाई, त्यौहार तो मनाने ही हैं, त्यौहार तो सबके सांझे हैं, त्यौहार तो मनाने ही हैं। तो ये माहौल है। आज आंधी काफ़ी तेज़ चल रही है, हवा की डिस्टर्बेंस के लिए माफ़ी चाहूँगा। तकरीबन बहुत सारे घर खाली पड़े हैं या जिनमें कुछ में लेबर रुकी हुई है, लेबर रह रही है, तो ये तो चलते ही रहेगा जी। जैसे ये भी खंडर है, ठीक है ना। इसके पीछे मायावती के जो ब्रदर थे उनका प्रोजेक्ट है, 2,500 रुपये स्क्वेयर फुट के हिसाब से फ्लैट है। 1,000 मीटर का मिल जाएगा 30 लाख में परिचौक के ऊपर, पर हैं बड़े कंजस्टेड। मतलब वहाँ पे कोई आग वाग लग जाए तो भागना मुश्किल हो जाएगा। तो ये अथॉरिटी कंडीशन वाले हैं, तकरीबन खाली है। अब रेट कब बढ़ेंगे? जब लोग आएंगे। लोग आएंगे तभी रेट बढ़ेंगे, और जब तक लोग नहीं आएंगे, 60,000 रुपये रेट मच्योर रेट है ये। अब इसमें डीलर कोई कितना मांग रहा है, 80 मांग रहा है, 90 मांग रहा है। अब लोग फ़ोन पे कहते हैं जी हमने तो देखा नहीं। भाई नहीं देखा तो आगे देख लो, धक्के खा लो, थोड़ा डीजल फूंक लो, CNG फूंक लो, ठीक है। हालात आपको वही मिलेंगे। तेरी दुनिया से होके मजबूर चला मैं बहुत दूर बहुत दूर। अब ये 300 मीटर का है, कीमत 1,80,00,000। अब ये 500 मीटर का जंगल है, वही अब ये 50 में मिल जाएगा, 50 गुना में 500-2.5 करोड़ का जंगल हो गया। अब ये लोगों ने लेके रखे हुए हैं, ये कटी थी जब दिल्ली में हम CA कर रहे थे, मुझे याद है ये 95-96 में कटी थी, तब ये सारा जंगल होता था। तो तब इन्होंने 25 लाख में दिए थे, पूरा प्रोजेक्ट बना के दे रहे थे। अब हमें इतना आइडिया नहीं है, क्योंकि लक्ष्मी नगर शकरपुर की रेलिंग में इनकी ऐड लगी हुई थी कि 25 लाख में विला लो विला लो। तो ये सारी अथॉरिटी कंडीशन वाले हैं। अब जी मैं तो डायरेक्ट शूट करता हूँ, ऐसा नहीं है मैं कहीं और से उठा के लाता हूँ, नंबर लिखे हुए हैं। ये देखिए जी, NRI सिटी।
तो जब तक ही देखिए लोग नहीं आएंगे तो जंगल जंगल ही रहेगा। 30 साल से जंगल है, 20 साल से मान लो चलो जंगल तो है ही है। अब आएंगे कौन? लाला। लाला मतलब जिनके पास मोटे पैसे हैं, मोटी तोंद है, ठीक है। चावड़ी बाज़ार में, सदर बाज़ार में दुकान है, प्रीत विहार से दुखी हो गया, कार पार्किंग नहीं मिल रही, रोनी से परेशान है, दिल्ली में तेल निकल रहा है। तो लाला जब तक नहीं आते, अमीर आदमी नहीं आते और दबंग टाइप के लोग नहीं आते, तब तक शहर बसना मुश्किल रहता है। अब कोई कोई आता है जो दलेर है, बाकी तो जी मौज बहार है ही है। तो ये हालात हैं जी NRI सिटी के ताजे, बिल्कुल हॉट लोकेशन परी चौक के पास। अगर शुशु करने जाओ तो मेट्रो में घुस के कराओ, चाहे बिल्कुल सामने मेट्रो है। मैं यहाँ कर रहा हूँ, मेट्रो में शुशु लाउड नहीं है एक्वालाइन के अंदर, पर बिल्कुल आप मतलब कि बीवी बोले कि दूध लेके आ, दूध की थैली, तो मेट्रो को छू के आ जाओ, परी चौक पास है, परी से हेलो कराओ कि हेलो परी मैं तुमसे मिलने आया हूँ। पर ग्राउंड लेवल की रिपोर्ट ऐसी है जी, है सारा थोटी कंडीशन। अब थोटी कंडीशन ने किसी ने अपना थोड़ा सा रंग रूप ठीक कर लिया, मजबूरी में रहने आ गया, हालात ऐसे ही हैं। अब इसमें भी लोगों ने कंप्लेंट दी है कि खाली प्लॉटों में सांप बिच्छू निकलते रहते हैं, दूसरे घरों में घुस जाते हैं, उनकी जान सांसद में आ जाती है कि जी खाली प्लॉटों की सफाई करवाओ। भाई हमारी जान के दुश्मन, क्योंकि भी देखो अब जंगल है, जंगल में तो सांप बिच्छू तो आएंगे, वो कहाँ जाएंगे बेचारे। मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ खाली प्लॉटों में क्या खतरा है। अब ये खाली प्लाट देखो, मेरे साल से लगता है 20 साल से बंदा आया ही नहीं है कि गेट के आगे बड़े बड़े पेड़ हो गए हैं। जब 20 साल से बंदा आया नहीं तो शिवजी महाराज जी के चेले चपाटे तो आएंगे ही। शिवजी महाराज जी तो नाक को गले में रखते हैं, कलयुग में शिवजी कहते हैं मुझे भी थोड़ा रेस्ट करने दो, भगवान कहते जाओ ग्रेटर नोएडा जाओ, खुले खुले प्लॉटों में रहो। भगवान ने 300 मीटर का प्लॉट अलॉट कर दिया कि जा नागराज 300 मीटर में जाके ठाट मार। फिर बिच्छू महाराज आए कि चल बिच्छू महाराज तेरे लिए 200 मीटर का प्लॉट, तू भी ठाट मार, ठीक है। फिर कॉकरोच आए, कॉकरोच को कोना दे दिया, कॉकरोच महाराज चलो कोने में जाओ ठाट मारो। और छोटी मोटी कीड़ियाँ वीड़ियाँ आई, उनको बड़ का पेड़ दे दिया कि चल भाई C400 के नीचे, बड़ के पेड़ के नीचे चींटियाँ तू मौज मार। अब मैं किधर भी जाऊँगा कहानी वही है। चलो मैं घूमते फिरते सी ब्लॉक में आ गया 424 में, डायलॉग वही रहेगा, डायलॉग सुनाता हूँ। आ जाओ भाइयों बहनों, नीले आसमान के तले सुंदर शानदार पेड़ों की छाव में, नीले नीले पेड़ों के नीचे आ जाओ, दिल्ली के मोटे मोटे लालो आ जाओ जिंदगी बच जाएगी। कहाँ आ जाओ, जंगल में। दूसरा जंगल देख लो, ये देखो जी, नागिन पिक्चर की श्रीदेवी वाले की शूटिंग यही हुई थी, ठीक है जी, नागिन पिक्चर की शूटिंग यही हुई थी। ये प्लॉट खाली पड़ा है। अब ये माहौल है जी, मैं धीरे धीरे कैमरा दिखाता हूँ। खाली प्लॉट, भूतिया प्लॉट, सुनसान प्लॉट, शैतानी प्लॉट, ये बॉम्बैया प्लॉट, बॉम्बैया पिक्चर की शूटिंग होती है, बॉम्बैया प्लॉट देखो, ये है बॉम्बे का प्लॉट जहाँ पे शूटिंग होती है भूतिया पिक्चरों की। डिंग 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 डिंग, भूत आया मैं हूँ ग्रेटर नोएडा का भूत, देखो ये है जंगल, कंक्रीट का जंगल। तो दोस्तों माल करोड़ों का, ये अमरूद के पेड़ों के नीचे। अच्छा दोस्तों, ये जो मैं कहानी सुना रहा हूँ एक सेक्टर की नहीं है, हर एक सेक्टर की कहानी है। अब आपको आना है तो सोच लो, अगर 60 साल की उम्र है तो आना ही है, फिर तो आ ही जाओ। रिटायरमेंट होगी है तो आ जाओ, कोठी बना लो। और अगर जवान हो तो दिल्ली, फरीदाबाद, गुड़गावा जहाँ पड़े हो वहीं DJ में डिचक डिचक करो, यहाँ लेके डालना डाल दो, ठीक है जी। ये देखिए छोटी छोटी गाड़ियाँ चल रही हैं तमिलनाडु की, ये बैगनार घूम रही हैं छोटी छोटी, बेचारे गरीब से लोग घूम रहे हैं यहाँ पे। बहुत दर्द छिपे हुए हैं जी, कितने दर्द बताएं आपको, बहुत दर्द छिपे हुए हैं जी।
यहाँ पे डेयरी तो खुल गई, दूध की डेयरी, पहले दूध ही नहीं मिलता था। इन्होंने गेट के पास एक टीन की कच्ची डेयरी बना दी, वहाँ पे दूध मिल जाता है। तो क्या है ये है ग्रेटर नोएडा का सम्मोहन, काला जादू, कि जो आए वो भी पछताए, जो ना आए वो भी पछताए। ठीक है ना जी, ये वही शादी का लड्डू है ये वही शादी का लड्डू है, जो खाए वो भी पछताए और जो साला ना खाए उसका तो बम्बू होना ही होना है, उसे तो देश छोड़ना ही पड़ेगा। तो ये राम कहानी है जी, जो आपका मन बनता है कर लो, जो समझ में आता है ले लो, नहीं तो मौज मारो। वही खुला खाओ तो नंगे ना आओ, खुला खाओ नंगे ना आओ। तो लास्ट में आपको बगीचा दिखा देता हूँ मैं NRI सिटी का, शानदार। हर एक चीज़ के दो पहलू हैं। अब मदर डेयरी 6 बजे जाओ, मदर डेयरी खाली मिलेगी, वो हो बोलो जी सरकारें फेल हैं, मदर डेयरी पे माल नहीं आ रहा, वो 10 बजे माल आ जाता है तो मदर डेयरी भर जाती है कि देखो सरकारें कितना अच्छा काम कर रही हैं, मदर डेयरी में तो माल कितना भरा हुआ है। ये फफारे तो चलते नहीं है, ज़मीन सूखी हुई है क्योंकि ओमैक्स के छापा पड़ गया है। बाकी बगीचा पूरा मेंटेन्ड है, सड़कें शानदार हैं, हवा अच्छी है, आसमान नीला है और सामने मेट्रो स्टेशन है परीचौक और पीछे अंसल का मॉल है। जूम करके दिखा रहा हूँ, देख लो। ये तो मेट्रो स्टेशन है एक्वा लाइन, JP ग्रीन्स परीचौक, और इसके बिल्कुल पीछे अंसल मॉल है। अंसल के भी बाजे बजे हुए हैं, इसका भी उपहार कांड हो गया था तो जेल वेल में घूम रहे हैं। ये भी ग्रुप पिट गया है, बर्बाद हो गया है। ठीक है जी, बेचारी मायावती जी बहन जी, अब वो तो छोड़ दिया, राजनीति से संन्यास ले लिया, तो उनके जो भाई का प्रोजेक्ट है पीछे 30 लाख में यहाँ मिल जाएगा 2 बेडरूम। और ये आपका JP ग्रीन्स है, आप बिल्कुल हाई फाई डायलॉग चिपकाने हैं, बिल्कुल अमेरिका की तरह कुर्सियाँ हैं, आके बैठो आराम करो। ये है भारत का अमेरिका, देखिए जी लोग आराम कर रहे हैं शाम से, बिल्कुल बढ़िया ज़िंदगी को काटो, रिटायरमेंट इन्जॉय करो, शानदार माहौल। पीछे इसके NRI के फ्लैट हैं जो पीछे देख रहे हैं आप, बहुत शानदार फ्लैट, एक्यूरेट कॉलेज के जो मालिक इसी में रहते हैं यहाँ पे शर्मा जी, और ये यहाँ का माहौल। पूरा ग्रेटर नोएडा शहर एक ही जैसा है, कोई भी जगह ले चले जाओ ऐसे ही है, कुछ बसा कुछ उजड़ा, और ऐसा ही माहौल है, शांति है। नचड़ी नचड़ी का बच्चा, देखिए ये रोड खाली, इसके बाद आ जाओ ये रोड खाली, इधर आ जाओ, सब लोग सो रहे हैं आराम से, ये रोड खाली, शांति चाहिए। कहीं से किराया आ रहा है, कहीं से रेंटल इनकम आ रही है, पेंशन आ रही है, मुआवजे के पैसे मिल गए, आ जाओ। मेहनत करनी है मत आओ, वहीं हो जहाँ मेहनत करते रहो, जब बीमारियाँ लग जाएंगी तब आना, जब हार्ट पेशेंट हो जाओगे, BP के मरीज हो जाओगे तब आना है, उससे पहले मौज मारो, जहाँ हो वहीं चुपचाप पड़े रहो, जैसे तालाब में मगरमच्छ पड़ा रहता है ना ऐसे पड़े रहो, खा मत लो। पीछे टुलिप गार्डन है, इन्हीं के फ्लैट हैं, यहाँ पर रेट वही है 3,350 स्क्वेयर फुट, 1,000 का फ्लैट आपको 35-40 लाख में मिल जाएगा। थोड़ा पेंट वेंट दे के डर सकते हैं पर डरना नहीं है, थोड़ा सा पेंट ख़राब है बिल्डिंग का पर बिल्डिंग ठीक है। तो एक वो है, क्या कुछ है यहाँ पे बढ़िया चीज़ क्या है, पेड़ खूब है, हवा खूब है, रोशनी खूब है, ठीक है जी। बाकी कम क्या है, आबादी कम है, बिजनेस कम है थोड़ा सा, अगर आप में जोश है तो आपका स्वागत है। और जो बंदा अग्रेसिव है वो बॉम्बे जाए, थोड़ा सा कम अग्रेसिव बेंगलोर जाए, जो साउथ इंडियन है मद्रास जाए, ठीक है जी। ये पीछे टुलिप इसी के प्रोजेक्ट का पार्ट है, पलग बना हुआ है, इसकी थोड़ी सी रंग रूप आप देख रहे हैं वो गड़बड़ है, फ्लैट अच्छे हैं। तो ये मैं NRI का वीडियो लेके आया, होपफुली आप इंजॉय करेंगे, ऐसे ही प्यार बनाए रखें। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।